Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। इमरान खान बहरीन के बादशाह हम्द बिन ईसा अल खलीफा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। सानिया आईपीएस को 5 साल बीत गए। आर्मी चीफ ने कहा है कि शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। कौम ने दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए लंबा सफर तय किया। शहरियों के हुकूक का तहफ़ रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस कहते हैं अगर बुनियादी हुकूक का नफाज ना हो तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। हम मुस्तकबिल में पोलियो केसेस पर काबू पा लेंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं कामयाबी सबके साथ मिलकर काम करने से हासिल होगी। पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल भी लियाकत बाग रावलपिंडी आ रही है। बिलावल कहते हैं जमहूरियत हमारा इंतकाम है, आज ये खतरे में है। फिशी में खौफनाक आतिजदगी के बाद करोड़ों रुपए मालियत की लौचे, कबाड़ का गोदाम, दो होटल और एक जाल का गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बहरीन पहुंचने पर वली शहजादा सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने अल हुजैबा महल में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। बहरीन पहुंचने पर वली शहजादा सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने अल हुजैबा महल में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मौन खसूसी जुल्फी बुखारी भी उनके हमराह हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहरीन के बादशाह हम्द बिन ईसा अल खलीफा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सल्तनत बहरीन के कौमी दिन के मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर इमरान खान को बहरीन के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इलावाजी दौरे से कबल वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी सेनेटर लेंजे ग्राहम ने मुलाकात की, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी शिरकत की। अमरीकी सेनेटर लेंजे ग्राहम 10 रुकनी आला सतही वफ्त के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं। वफ्त की सरबराही सेनेटर ग्राहम कर रहे हैं। जराए के मुताबिक ये वफ्त कतर के शहर दोहा से खसूसी तैयारी पर इस्लामाबाद पहुँचा है।
सानिया एपीएस को 5 साल बीत गए। 5 साल पहले फूलों के शहर पेशावर को खून में नहला दिया गया था। आर्मी चीफ का अपने पैगाम में कहना था कि हम बहसियत कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। सानिया एपीएस को 5 साल बीत गए। 5 साल पहले फूलों के शहर पेशावर को खून में नहला दिया गया था। स्कूल में घुसकर दहशतगर्दों ने गोला बारूद की बारिश की। अभी सूरज तुलू हुए कुछ देर ही हुई थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कयामत बरपा की गई। स्कूल के अकबी हिस्से से बमों और आतिशी हथियारों से लैस दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। मासूम तलबा प्रिंसिपल और असातिज़ा को बेरहमी से शहीद किया गया। थोड़ी ही देर में पाक फौज के जवान स्कूल पहुंच गए और सातों दहशतगर्दों को मार गिराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सानिया एपीएस को भुलाया नहीं जा सकता। सानिया में मुलविस 5 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि शोदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए लंबा सफर तय किया। पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुल्क के दहशतगर्दों को शिकस्त से दोचार किया। मुख्तलिफ ऑपरेशन के खिलाफ दहशत गर्दी के नासूर को खत्म किया। हम बहसियत कौम दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। मैं ऐसी फौज का चीफ हूँ जहाँ पे हमारे जवान हर वक्त इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन कुव्वतों को जो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं। आप देख लें, जैसे हमारे पास ऐसे वालदैन और ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकता। और मुझे फ़ख्र है, मुझे मोहम्मद अली साहब पर, इनकी जोजा पर फ़ख्र है कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए 3 बच्चों की कुर्बानी दी। और अभी भी ये कहते हैं कि मेरे बाकी बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो आफरीन है ऐसे वालदैन पर और ऐसी वालदा पर, ऐसे वालद पर जो इस मुल्क के लिए अपना तन मन सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। और जब तक ऐसे वालदैन इस मुल्क में मौजूद हैं, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और मैं और मेरी पूरी फौज, पूरा पाकिस्तान मोहम्मद अली साहब और उनके अहले खाना का शुक्रगुजार। वाज़ेह है कि 16 दिसंबर साल 2014 का रोज तारीख में सियातरीन दिन के नाम से याद किया जाता है, जब सपाक दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में वहशत और बर्बरियत की इंतहा कर दी और 149 घरों में सफ़े मातम बिछा दी गईं। दिसंबर का महीना आते ही उनका गम दोबारा लौट आता है। 16 दिसंबर के हौलनाक सानी में शहीद होने वाले मनो मिट्टी तले सो गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा हैं। कुछ बात कर लेते हैं नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक के नफाज में पुलिस का किरदार है। अगर बुनियादी हुकूक का नफाज ना हो तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि शहरियों के हुकूक का तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक के नफाज में पुलिस का किरदार है। अगर बुनियादी हुकूक का नफाज ना हो तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 दिसंबर की तारीख हमें 2 सानहात की याद दिलाती है। सुकूत ढाका और APS सानिया हमारे लिए सबक है। हमें सुकूत ढाका से सबक मिलता है कि शहरियों के हुकूक का तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत शहरियों के हुकूक को नजरअंदाज करे तो लोग भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं। तरीके आजादी बंगाल से शुरू हुई, वो इलाका इसलिए हमसे जुदा हुआ क्योंकि रियासत ने उनका ख्याल नहीं रखा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि सानिया APS का वाकया कोई भूल ही नहीं सकता। सानिया APS के बाद कौम ने फैसला किया कि अब कुछ करना है। पूरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान की हिमायत की। इज इंपॉर्टेंट इफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी केप्ट अलाइव सो दैट देयर इज नो सच इंसिडेंट एज हैपेंड many years ago in Bangladesh, East Pakistan broke away. This is one lesson we must not forget. The lesson that we get from the Army Public School incident taking place on this very day some years ago is that that was an incident which shook us all, and it shook us out of the slumber. It in fact prompted us to reconsider our approaches. Terrorism was going on for many, many years before that incident, but that was the incident when we realized that enough is enough.
And we as a nation then decided that we have to do something about it. आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि उम्मीद है हम मुस्तकबिल में पोलियो केसेस पर काबू पा लेंगे। हमने नई हिकमत अमली तरतीब दी है। हुकूमत ने पिछले 3 साल में इंसदाद पोलियो के लिए वसाइल फराहम किए हैं। वजीर आला सिंह का कहना था कि कामयाबी सब के साथ मिलकर काम करने से हासिल होगी। आज तमाम सियासतदानों को भूल कर सिर्फ पोलियो की खबर चलाएं। आज मैं आसिफ अली जरदारी की तबीयत पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। सब हमारे साथ इस पे काम करेंगे, और इसलिए जो मैंने स्पेशली आप लोगों से आज अपील की है, अच्छा नहीं होगा कि आज कोई खबर और ना दें आप। सारे मीडिया चैनल्स के मालिकान को सारे उनको कहूँगा छोड़ दें, मुझे भूल जाएं, किसी सियासतदान को ना दिखाएं। आज आज आप सिर्फ ये कहें, लोगों में खबर दें कि जी पोलियो के कतरे पिलाएं, ये हमारे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है, हमारे मुल्क के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और अगर हम इस पे काबू नहीं पा सके तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमने फैसला कर लिया है कि रावलपिंडी में फिर आ रहे हैं। शहीद मोहतरमा ने जहां आखिरी तकरीर की थी, हम वहां आ रहे हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमने फैसला कर लिया है कि रावलपिंडी में फिर आ रहे हैं। शहीद मोहतरमा ने जहां आखिरी तकरीर की थी, हम वहां आ रहे हैं। कोयटा में जलसे आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल भी लियाकत बाग रावलपिंडी आ रही है। 2007 में कहा था जमहूरियत हमारा इंतकाम है, आज ये खतरे में है। इस्लाम हमारा दीन, जमहूरियत हमारी सियासत, मसावात ताकत का सरचश्मा आवाम है। इंशाल्लाह लियाकत बाग में खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम देंगे। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड 20 साल चीखता रहा, एमिनिस्टी चोरों के लिए होती है, मगर आज एमिनिस्टी किसानों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए है। पीपल्स पार्टी ने आईएमएफ से मुआहदे किए, लेकिन अवाम के लिए किए। आसिफ अली जरदारी ने तनख्वाहों में 100 से 150% इजाफा किया था, और पीपल्स पार्टी हुकूमत में पाक फौज की तनख्वाहों में 175% इजाफा किया गया। हमने फैसला कर लिया है कि बेटी हम फिर आ रहे हैं लियाकत बाग में। लियाकत बाग जहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की, लियाकत बाग में जहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, पिंडी में जहां कायदे आवाम को शहीद किया गया, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल आ रही है। उन्हीं चार उसूलों को दोहराने के लिए, उन्हीं चार उसूलों को दोहराने के लिए जो हमारे पार्टी बुनियादी उसूल है, कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत समझती है कि पीपी जियालो को डरा सकती है, ये उनकी भूल है। अवामी हुकूमत को आवाम को और सिलेक्टेड को सिर्फ सिलेक्टर्स का साथ देना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर लेके जाना है, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चार उसूलों को साथ देके जाना है, और आपने ये मैसेज, ये पार्टी के पैगाम घर घर तक पहुँचाना है, हर जियाला तक पहुँचाना है। जो जो घर पे बैठे हुए हैं, सियासत से दूर हुए हैं, उनको फिर से हमें रिएक्टिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमने निकलना है। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जो वादा किया था, वो वादा निभाना है। हमने वो मिशन जो नामुकम्मल है, वो मिशन को मुकम्मल करना पड़ेगा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. Bhai umma ke muhafizon ne bahut si investments kar rakhi hai wahan. Aage wo log aapke liye haar leke nahi khade. Jab tak inshaallah unko azadi nahi milegi hum unke sath khade rahenge. Do not live in a fool's paradise. Bushra Khan, Sara Ali, Kokab Farooqui, Zulfiqar, Tuba Shakil, Tag TV Pakistan.